हेलो चैंपियंस, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 3 डेज प्लान। मतलब अगर हमने कुछ भी नहीं किया पूरा साल तो हमारी क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारी 3 डेज के अंदर अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया हुआ है 17 को 18 को और 19 को, मतलब इससे पहले आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। 17 वाले दिन मैंने किन चैप्टर को करना है, 18 वाले दिन किसको करना है और 19 वाले दिन को हमने किस तरह से करना है, ताकि हमारा जो 20 को पेपर है वो हमारा अच्छा हो सके। ठीक है, तो यहाँ आज मैं आपके साथ यही चीज डिस्कस करूंगा। तो देखो, ये सबके लिए, एवरेज वाले के लिए भी है, टॉपर के लिए भी है, और जो बच्चा पुअर है परफॉर्मेंस में उसके लिए भी है, सबके लिए है। ये यकीन करें सबसे बेस्ट वीडियो होगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को तो इसका ही पता होता है कि हमें करना क्या है, भैया मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं क्या चीज करूं, तो वो मैं आप सबके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास केमिस्ट्री की जो बुक है ना, उसके अंदर मार्क्स है ना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। तो इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम लोग जो है वो पेरिंग को फॉलो करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पेरिंग के अंदर हमें पता चल जाएगा कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे जिनको हमने करना ही नहीं है। ठीक है ना, ताकि हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल के अच्छे मार्क्स ले सकें। तो इसके बाद अगर हम पेरिंग को अगर हम देखते हैं तो पेरिंग के अंदर हमारे पास जो बुक है उसके अंदर 2 पोर्शन हमारे पास होते हैं, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का भी है और इनऑर्गेनिक का भी है। अच्छा, आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि सर मुझसे जो ऑर्गेनिक जो है वो तो प्रिपेयर नहीं होती। ठीक है, मैं उसको कैसे इतने चैप्टर्स करूंगा, कैसे उसके रिएक्शंस करूंगा, तो आपको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो बार 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 पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 दिनों में हमें ऑर्गेनिक को ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम चाहते हैं कि वाकई हमारी प्रिपरेशन जो अच्छी हो जाए, तो उसको हम उसके लिए हम पेरिंग का फिर एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस, 17 को क्या करना है, 18 को क्या करना है, 19 को क्या करना है, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा रोड मैप भी चेक कर लेना कि बुक के अंदर कहाँ कहाँ से लॉन्ग आने, कहाँ कहाँ से शॉर्ट आने। जब हमारे पास वो रोड मैप रेडी होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी अपने 3 दिनों के लिए सिलेबस को वाइंड अप करना। ठीक है, तो अब ये क्या है कि 5वां आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले दूसरे में से आना है। ठीक है, 6वां लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होगा वो 5वें और 15वें में से, फिर 7वां 10वां 9वां 11वां और यहाँ पे है 8वां और 12वां। ये आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिनमें से आपने 3 करने हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहला दूसरा नहीं करना, 5वां और 15वां भी नहीं करना, आपने ये 6 चैप्टर्स करने हैं, आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे, क्योंकि इनके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो गिने चुने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहला दूसरा कर ले, तो पहला दूसरा भी कर सकती हो आप, लेकिन पहले और दूसरे 5 और 15 की पेयरिंग जो होती है वो मिक्स आपस में मिक्स हो सकती है। तो कुछ पता नहीं होता कि पहले के साथ दूसरा आए या ना आए, या पहले के साथ 5वां ना आ जाए, तो इस वजह से आपको कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर हम इन चैप्टर्स को, इन बुक्स को देखते हैं, मतलब इन चैप्टर्स को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनके अंदर क्या है कि इनकी पेरिंग आपस में चेंज हो सकती है। मतलब 7वां जो है वो 9वें के साथ आ सकता है, 10वां जो है वो 11वें के साथ आ सकता है, आपस में इंटरमिक्स ही होंगे, ऐसे नहीं होगा कि और चैप्टर आ जाए, 6 चैप्टर यही के यही रहेंगे। आपको ये बेनिफिट इसका होगा, मतलब आपको जो याद किया होगा वो जाया नहीं होगा, बल्कि आपको उसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो आपने 6 चैप्टर्स करने कौन से, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, आपने ये 6 चैप्टर्स करने हैं। किस तरह करने वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेरिंग है। इसके बाद अगर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को, तो ये देखो 10वां 14वां 15वां, उसके बाद 7वां 8वां 16वां और उसके बाद 9वां 11वां 12वां और 13वां। ये चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप सिर्फ अगर ऑर्गेनिक भी कर लो ना इन 3 दिनों के अंदर, तो आपके मार्क्स, आपकी जो प्रिपरेशन है उससे ज्यादा आएंगे। 20 वाले हो तो आपके 40 आ जाएंगे, 40 वाले तो आपके 60 आ जाएंगे, मतलब आपके ज्यादा आ जाएंगे। इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपने अगर ऑर्गेनिक को कर लो, ये चीज आपको कन्फर्म होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने आपको पूरी पेयरिंग को देखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में 4 में से 2 आने या 5 में से 2 आने। अब मैंने आपके लिए आसानी कर दी हुई है। आसानी क्या है कि अगर आपने पूरे मार्क्स लेने, फुल मार्क्स अगर आपने लेने हैं, तो उसके आप करना क्या पड़ेगा, आपको 7 से लेकर 12 तक मुकम्मल रेडी करना पड़ेगा। 7, 9, 8, 9, 10, 11 और 12, इन 6 चैप्टर्स को आपने करना है, 16 को नहीं करना। 16 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, तो आपके 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, लेकिन आपको करने हैं सिर्फ 6 चैप्टर करने हैं।
तो आपके 53 मार्क्स आएंगे। अब आपके 22 नंबर अभी भी काम है, उन 22 नंबर को पूरा करने के लिए पहला दूसरा तीसरा और चौदवा और सोलवा के सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, मतलब इन चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं ये वाले इनको पूरा करना है, सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां, इनकी पेयरिंग चेंज नहीं होगी, यही पेयरिंग रहेगी। अब जो बच्चा जो वीक है, जिसकी अच्छी तैयारी नहीं, जिसे सिर्फ पास होना है, पासिंग फार्मूला है, तो भाई वो 3 चैप्टर कर ले, सातवां आठवां नौवां कर ले, जरा आसान करने तो 9, 7, 9, 10 कर ले, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी आप बना लो, लेकिन ये है कि जिस बच्चे ने ज्यादा नंबर लेने हैं इन 3 दिनों के अंदर प्रिपरेशन करके, उसे इन 6 चैप्टर्स को मस्ट करना है। तो यहाँ आपकी ये बात क्लियर होगी, अगर आप 1, 2, 3 और उसके बाद 14 और 16 उनके सिर्फ साथ शॉर्ट भी कर लो, तो आपके 85 में से 85 मार्क्स आएंगे। ये चीज कन्फर्म है, पेयरिंग को देखते हुए इसी के अकॉर्डिंग पेपर आना है और इसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट ये है कि अब हमने 17 वाले दिन क्या करना है, क्वेश्चन है ना, 18 वाले दिन क्या करना है, 19 वाले दिन क्या करना है। कुछ बच्चे इस वीडियो को पहले देख लेंगे, कुछ बच्चे बाद में देख लेंगे, अपने हिसाब से आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना के इसको जो है वो यूज कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको इससे बेनिफिट ले सकते हो। तो 17 वाले दिन आप लोग क्या करो, 17 वाले दिन आप लोग ये चैप्टर्स करो, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आपको आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, चैप्टर नंबर 7 और 8 17 वाले दिन आपने कंप्लीट करना है। जिस बच्चे ने बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया चैप्टर नंबर 7 को, वो भी 2 से 3 घंटे में हो जाता है, 5 या 4 उसके लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी उसका शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन डिफाइन नहीं आनी है, उसमें रिएक्शंस कम है, तो आपका 2.5 घंटे में हो जाता है। उसके बाद 8वां चैप्टर टफ है, इसको 4 घंटे लगा लो, 5 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, आपकी मर्जी है। तो आपने क्या किया, 17 अप्रैल को ये 2 चैप्टर किए, 7वां और 8वां, इन 2 चैप्टर्स को आपने कंप्लीट करना है, इनके शॉर्ट इनके लॉन्ग, एमसीक्यूज को नहीं करना है, एमसीक्यूज के लिए वो बात की बातें बता दूंगा क्या करना है, शॉर्ट और लॉन्ग आपने कर लेने हैं। लॉन्ग कौन से करने, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, शॉर्ट कैसे करने उसकी वीडियो बनाई हुई है, मैंने हर चीज बनाई हुई है, आप जाके चैनल के ऊपर देख सकते हो। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको नई नई वीडियोस मिलती है, ठीक है। तो अब 7वां 8वां आपने करना करना है, किस वाले दिन, 17 वाले दिन, आपका 5, 6, 7 घंटे में हो जाएगा, करने वाला बच्चा कर लेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि 7वां भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, किसमें, 10th क्लास में, और 8वां भी हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, और 7वें चैप्टर नंबर 1 के आप शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये आपका 17 वाले दिन का काम है और आपने ये करना ही करना है, हर लिहाज से करना है, इस वीडियो को देख के। और इन चक्रों में ना परो वो गैस आ गया है, वो मैं कर लेता हूँ, 3-4 लॉन्ग है, 2-3 शॉर्ट है, वो पेपर में नहीं आने, जिस बच्चे ने पूरा चैप्टर रेडी किया होगा उसी के ही नंबर आने हैं, ठीक है। उन्होंने लिखे उन चैप्टर में क्या है, कुछ करना है, उसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है अलग से, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो। तो 7वां 8वां और 11वां और पहला इसके सिर्फ शॉर्ट करने हैं आपने। ये आपका हो गया, आपका 17 अप्रैल को आपने ये चीजें करनी है, ये आपका डे 1 कंप्लीट है। आपने पास पेपर ले, कोई सा पास पेपर आप देख लो कि देखो कि क्या मुझे 7 के सारे लॉन्ग याद हो गए हैं, 8 के सारे लॉन्ग याद हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डे है 18 वाले दिन मैंने क्या करना है, 9वां और 10वां इंतहाई आसान चैप्टर्स है, 9वें के कौन कौन से लॉन्ग है, 10वें के कौन कौन से लॉन्ग है, किस तरह के शॉर्ट आते हैं, सारा कुछ मैंने वीडियोज में बताया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो वीडियोज को। 9वां आपका आई थिंक कोई 3 घंटे में हो जाएगा और 3 घंटे के अंदर 10वां हो जाएगा, 6-7 घंटे लगा के आपने काम कर लेना है। सुबह 9 बजे बैठो, दोपहर 3 बजे आपके 2 चैप्टर रेडी होंगे और साथ में आपने दूसरे और तीसरे के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे ये करेंगे कि सर जो है वो एक मिनट जी सर जो है वो मेरे से तो वो रेडी नहीं होगा, जो है वो चैप्टर नंबर जो यहाँ पे है ये 9वां 10वां दूसरे तीसरे के मुझसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। आपने इन चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इन चैप्टर के दूसरे तीसरे के ज्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन यही आते हैं, बहर जहां से भी आप करो, जिस तरह मर्जी करो, लेकिन आपने क्या करना है, इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी इस दिन करने हैं, क्योंकि 9वां और 10वां दोनों चैप्टर्स आसान है, 5-6 घंटे में आपके दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं, करने वाला बच्चा हो, 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ में उनके शॉर्ट भी हो जाते हैं। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो शॉर्ट हो जाएंगे। आप ये ना सोचो यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैंने पूरा साल पढ़ा नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, सब ने इन स्ट्रेटेजीज को देख के ही पढ़ना है। बाकियों के पास ये वीडियो नहीं है, वो बेचारे रह जाएंगे, जिनके पास है उनको फायदा हो जाएगा, तो आप इससे फायदा ले सकते हो, लेकिन मुझे भी आप फायदा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
इसके बाद है 19 वाले दिन आपके आखिर में दो चैप्टर रह गए, 11वां और 12वां। इंतहाई आसान और शॉर्ट चैप्टर्स हैं, लेंथी मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जिस बच्चे ने पिछले दो दिनों में दो चैप्टर्स कर लिए होंगे ना, वो आखिरी दिन ये दोनों चैप्टर्स भी कर लेगा, 11वां और 12वां चैप्टर कर लेगा। ठीक है, जिस चीज की यार नहीं समझ आते यूट्यूब पे जाओ, हजारों टीचर्स के लेक्चर जाओ, उनसे देखो पढ़ो समझो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। 15 से 20 मिनट में भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो तो 4 से 5 घंटे में आपका एक चैप्टर जाता है, मुश्किल से मुश्किल। लेकिन मुझे नहीं लगता 15-20 मिनट लगते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन, 15 मिनट भी लगे तो आपके 1 घंटे में 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस तरह 1.5 से 2 घंटे में एक चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। करने वाला स्टूडेंट हो वो कर लेता है। 11वां और 12वां आपने करना है 19 तारीख को, और साल में 14वें 16वें के आपके करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब जिस दिन आपका पेपर है उससे पहले आपने इन्हीं 6 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, और साथ में इनके क्या करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करना है, पास पेपर्स को देख के। पास पेपर्स को आपने चेक करना है, कहीं से भी ले लो, नेट से ले लो, कहीं से डाउनलोड कर लो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई और चीज़ होगी, जो भी सोर्स है उसको देख के चेक करो आप लोग कि आया मुझे जो मैंने क्वेश्चन याद किए पेपर में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपने एक दफा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और जब आप रिवाइज करो तो 2 घंटे आपने निकालने हैं पेपर वाले दिन, 5 बजे उठ जाओ सुबह को, 3 बजे उठ जाओ सुबह को, सुबह टाइम नमाज के टाइम, फजर टाइम 2 बजे उठ जाओ, आपने उठ के MCQs को करना है। MCQs आपके हमेशा पास पेपर्स वाले आते हैं, और फ्री वाले MCQs का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री है सबके लिए, वो आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपने एक चीज देखनी है कि अब इस टाइम पेपर्स आ चुके हैं, आप सारा का सारा टाइम तो अपने मोबाइल को दे रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, लाइक, स्नैप वीडियो, ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो। आप बाकी टाइम किस पे लगा रहे हो, सोने पे, और पढ़ते सिर्फ 10-11%, मतलब अगर ये दिन है तो इसका 10वां हिस्सा क्या है, सिर्फ ये आप ये पढ़ रहे हो। भाई इतने पढ़ने से कुछ नहीं होना, आपने वो सुना होगा कि कामयाब वो होता है जो 10-12 घंटे रोजाना पढ़ता है, तो आप भी पढ़ना शुरू कर दो, 5-6-10-15 दिन है इसको लगा लो आप, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर 200 वाले तो 400 आ जाएंगे। तो आपने ये काम नहीं करना इसको, बल्कि इसको उल्ट करना है, ये स्टडी को देना है, सोने के लिए ये टाइम निकालना है, और ये आपने मोबाइल को देना है, इतना सा टाइम थोड़ा सा आपने मोबाइल को देना है बस। अब अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए, अगर आपको इजी नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे साथ भी अटैच हो सकते हो, रोज बैच हमारे में, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी फी 2000 है, सारे सब्जेक्ट्स उसी के अंदर इंक्लूडेड है, A to Z कंप्लीट। व्हाट्सएप का ग्रुप है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, टीचर्स का व्हाट्सएप का नंबर आपको मिलेगा, ग्रुप मिलेगा आपको, इजी नोट्स मिलेंगे, जो हमने जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल तैयारी नहीं रखी उनके लिए हम नोट्स अलग से बनाए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग को कंबाइन करके, वो नोट्स आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितनी कन्वर्जन आती हैं उनको याद करने के लिए हमने कन्वर्जन के नोट्स बनाए हैं, वो आपको मिलेंगे। फुल बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर चीज आपको मिलेगी। पिछले साल सन 2023 में हर चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं वो फाइल आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी अगर हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। 2000 इसकी फी है, इसके अंदर सारा कुछ अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट इसी के अंदर है, इसके अलावा और कोई फी नहीं होगी, आपने एक दफा फी पे कर देनी है, इसके अलावा कोई फी नहीं है। आप हमारे बैच में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फी कैसे पे करनी है, इजी पैसा नंबर है, जायज कैश नंबर, इन दोनों पे आपने पेमेंट सेंड करवानी है, ये अकाउंट का नेम है, और जब पेमेंट सेंड करवाते हो बाजार से या अपने मोबाइल से जिससे मर्जी आप करवा लो इन अकाउंट्स के ऊपर, उनके पास एक SMS आता होता है, वो SMS या वो स्क्रीनशॉट लेके आपने उसकी पिक्चर लेके आपने इस नंबर पे या इस नंबर पे सेंड कर देनी है एज अ प्रूफ। टीम आपका नंबर चेक करेगी, आपका नंबर, रोल नंबर जो भी होगा उसको अटैच कर देगी, ग्रुप में आपको ऐड कर देगी, नोट्स आपके पास होंगे, मेरा नंबर पर्सन आपके पास होगा, और पेपर्स के दौरान भी ऐसा नहीं कि नोट्स आपको दे दिए, गेस्ट पेपर आपको दे दिए, आप चीजें दे दी तो बस बात खत्म, नहीं, बल्कि बोनस ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, आपको साथ साथ आखिरी पेपर तक हमारे ग्रुप में रखा जाएगा, आप गाइड किया जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी बना बना के दी जाएंगी, जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसको आपको जो फॉलो किया जाएगा, आखिरी पेपर तक बोनस है इसका, क्या है, आखिरी पेपर तक आपको जो है साथ रखा जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पेमेंट का तरीका आप दोबारा देख लें, ये तमाम फाइल्स आपको मिलेंगी इसके अंदर, ये केमिस्ट्री की फाइल्स है, टॉपिक वाइज लॉन्ग क्वेश्चन है, गेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है, फाइल है, उसके बाद फुल बुक का गैस भी दिया, ऑर्गेनिक वर्क बुक है, इजी नोट्स है, रिवीजन के लिए फुल बुक के MCQs है, फुल बुक की स्ट्रेटजी है, इतना सारा कुछ आपको एक सब्जेक्ट का मिलना, बल्कि ये फी के साथ आपको सारे सब्जेक्ट्स का हर चीज मिल जानी है। आई होप सो आपका 3 दिनों का प्लान आप फॉलो करोगे, और ज्यादा फायदे के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब सबके लिए अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स विलिंग है अटैच हो सकता है। आपका टीचर सामा दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।